Assalamualaikum and welcome to another video by Bitbyte Info. Today we have started a new playlist in which we are going to understand the history of the different monuments of the world. So today's topic is about Masjid al-Aqsa or Dome of the Rock and the Christian's Tomb. So why Masjid al-Aqsa is important for Muslims and Dome of Rock for Judaism and the Church for the Christianity. Today we went for all the Abrahamic religions, that is Muslims, Jews and Christianity. So aaj hum discuss karenge ke ye jo city hai Palestine mein Judaism jo ke Masjid al-Aqsa hai. Masjid al-Aqsa basically divided hai थ्री रीजन्स में. एक जो हिस्सा है वो यहूदियों के पास है, एक ईसाइयों के पास है और एक मुसलमानों के पास है. तीनों अपने डिफरेंट एरियाज में इबादत करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज़ दिस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई चैनल बिटबाइट इन्फो. सो जो आज के हम बात करेंगे मस्जिद अल अक्सा के बारे में. मस्जिद अल अक्सा के बारे में, ये बहुत ही तारीखी मस्जिद है मुसलमानों के लिहाज से. सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 400 साल पहले थी ये बनी थी. सबसे पहले ये इनको जो फतह किया था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फतह किया था. उसके बाद ये फिर यहूदियों के पास गई, तो उसके बाद फिर इसको सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह किया. उसके बाद जो थे उनके वलीद बिन मरवान, उन्होंने इस मस्जिद को बिल्ड करवाया था फिर बाद में. सो ये जो आज का हम इसको आपको पूरी जो इंटरनल इसकी जो बैकग्राउंड वीडियो चल रही है, इंटरनल इसकी पूरी विजिट भी करवाई जाएगी मस्जिद अल-अक्सा की. ये इंटीरियर जो भी दिख रहा है, ये इंटीरियर व्यू है मस्जिद अल-अक्सा का. और ये जो ग्रीन आपको ये नज़र आ रहा है कपड़ा, इसके पीछे माउंट ऑफ टॉम है. और ये इनर पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, पूरा आपको विजिट भी होगा साथ मस्जिद अल-अक्सा के, पूरा इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी और हर डिफरेंट एंगल से साथ उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे. तो ये उसका बेसिक व्यू है मस्जिद अल-अक्सा का. सो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स are talking about the history of Masjid al-Aqsa, it is the mosque that built by the Hazrat Ibrahim. So agar hum iski baat kare Masjid al-Aqsa ka matlab kya hai, from Arabic to English, English mein iska matlab hai the farthest mosque. Theek hoga. So Quran Pak ke lihaz se Masjid musalmanon ke liye important kyun hai ke yahan se hamare aqa Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए थे यहाँ से. ठीक हो गया. इट इज़ बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद ट्रेवल फ्राम मक्का टू अल-अक्सा ड्यूरिंग द नाइट जर्नी. मस्जिद अल-अक्सा में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई थी अम्बिया की. तो इमामुल अम्बिया थे आप मस्जिद अल-अक्सा में. द होल जर्नी ट्रेवल फ्राम मक्का टू अल-अक्सा इज बेस्टोड बाई द इवेंट दैट इज़ मेराज is also related to Masjid al-Aqsa. That is why it is really important. And why Palestine is called Palestine? We can say Palestine is a city of the prophets. So all the Abrahamic religion is that's why really concerned with the Palestine, because जो बहुत से अंबिया थे वो यहाँ पर दफन हैं, वो यहाँ पर आए थे इस सिटी में, इसलिए इसका बहुत सारा. सो ये मस्जिद अल-अक्सा का इंटीरियर व्यू है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है. अगर हम मस्जिद अल-अक्सा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये काबा से वॉज फाउंडेड 40 ईयर बनाया था या ऑर्डर दिया था, लेकिन ये जब यरूशलेम को फतह किया गया यरूशलेम को, तो उसके बाद इसको ख़त्म तबाह कर दिया गया था, इसको तोड़ दिया गया था. लेकिन जब यरूशलेम को फतह किया गया उसके बाद इसको तोड़ा गया. उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुकूमत आई, वो खलीफा वक्त थे, उन्होंने इसको फतह किया. लेकिन उन्होंने इस दौर में कोई यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई, कोई कुछ यानी कि कोई काम वगैरह नहीं था हुआ. सो उसके बाद आए तो वो 66 हिजरी में एज में, तो उन्होंने मस्जिद अल-अक्सा को भी बनवाया और डोम ऑफ द रॉक को भी बनवाया. डोम ऑफ द रॉक इज़ आल्सो इन फलस्तीन एट जर्नलिज्म.
तो मस्जिद अल अक्सा में ही है, डोम ऑफ रॉक भी और चर्च भी. तो आई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्क फॉर द मुस्लिम्स. सो ये फ़लस्तीन में, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक हो गया कि मेराज का वाक़या भी यहाँ से है और मुसलमानों का किबला अव्वल भी है मस्जिद अल अक्सा. तो ये था इसका बेसिकल ओवरव्यू, या आपका थोड़ा सा डिफरेंस भी कि इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें. जैसा कि तो फर्स्ट किबला के अगर बारे में बात करें तो ये मुसलमान जो पहले नमाज़ पढ़ते थे वो, जैसा कि अब वो खाना काबा की तरफ डायरेक्शन करके नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन पहले वो मस्जिद अल अक्सा की डायरेक्शन की तरफ अपना मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे. तो इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए भी कि ये उनका किबला अव्वल भी है. और मेराज में भी आप सल्लम ने, इमामुल अंबिया थे उन्होंने यहाँ पर, इमामुल अंबिया हैं उन्होंने यहाँ पर अंबिया की इमामत करवाई. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए इस लिहाज से. तो इसके फतह के बारे में बात होगी कि अब्दुल मालिक बिन मरवान ने इसको बिल्ड करवाया था. और डोम ऑफ द रॉक जो है कि जहाँ पे जर्नलिज्म है, जहाँ पे यहूदी इबादत करते हैं, वो भी उन्होंने बनाया. तो ये था बेसिक. तो मस्जिद अल अक्सा बेसिकली डिवाइडेड है थ्री रीजन्स में, एक क्रिश्चियंस के पास है, एक यहूदियों के पास है, ये इसका आउटर व्यू है, और एक ईसाइयों के पास है. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री. इट वाज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द टेंपल माउंट, कि जो टेंपल माउंट है इसके टॉप के ऊपर बनाई गई है. टेंपल माउंट जो पहले ईसाइयों के पास था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इब्राहिमिक रिलीजन के लिए कि जो टेंपल माउंट है वो भी यहाँ पे है. डोम ऑफ द रॉक यहूदियों के लिए वो भी यहाँ पे, मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए वो भी यहाँ पर है. ठीक हो गया जी. When the Crusaders captured Jerusalem in 1099, they used the mosque as a place and the Dome of the Rock as a church. जब Crusaders ने Jerusalem को फतह किया था तो उन्होंने मस्जिद अल अक्सा को मस्जिद के तौर पर यूज़ किया और Dome of the Rock को as a church. बट लेकिन जब सलाहुद्दीन ने इसको फतह किया मस्जिद अल अक्सा को 1187 में, तो फिर इसको वापस कम्प्लीटली इसको मस्जिद के तौर पर, जब तुर्क सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको फतह किया था, तो फिर दोबारा इसको रिकैप्चर किया गया इसके स्टेटस को एज ए मॉस्क. मस्जिद अल अक्सा वाज कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू अ मॉस्क व्हेन सलाहुद्दीन अयूबी गॉट इट इन 1989. के ये जो एक सिटी है ये 10 किलोमीटर दूर है जर्नलिज्म से. ये पैदाइश का जो सिटी है जिधर हजरत ईसा, जिनको ईसाई कहते हैं, वो पैदा हुए थे जीसस क्राइस्ट, तो ये वो सिटी था बैथलम जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी. इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. और ये फ़लस्तीन में ही है, फ़लस्तीन के साउथ में है जी, बेसिकली 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द जर्नलिज्म. ओल्ड सिटी ऑफ द जर्नलिज्म उससे 10 किलोमीटर दूर है. और अगर हम इसका मतलब समझें कि वर्ड बैथलम ओरिजिनेट फ्राम बैथ लहम, उसका अरबिक में अगर हम इसके ट्रांसलेट करें बैथलम के मीनिंग को, तो उसका मतलब है हाउस ऑफ मीट. ठीक हो गया जी. और ये इम्पोर्टेंट इब्राहिमिक रिचुअल, क्योंकि मुसलमान भी हज़रत ईसा को मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं, इसलिए ये सिटी भी इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था. एक और अगर हम बात करें मस्जिद अल अक्सा के बारे में के, और क्योंकि ये बनाई गई थी हज़रत सुलेमान जो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने इसका जो इंटीरियर, जो टू पिलर्स हैं, जो इंटीरियर इसका एक वॉल है, वो हज़रत सुलेमान ने, जो कि अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने बनवाई थी जिन्नात से. क्योंकि हज़रत सुलेमान के पास अल्लाह ने बहुत पावर दी थी उनको, वो जिन्नात की बातें भी समझते थे, बर्ड्स की भी, इंसेक्ट्स की भी. तो उन्होंने ये मॉस्क का हिस्सा इस भी बनवाया हुआ था मस्जिद अल अक्सा का. इसलिए ये और इम्पोर्टेंस बन जाते हैं मुसलमानों के लिए कि ये मुसलमान का किबला अव्वल भी है, मेराज का वाक़या भी मस्जिद अल अक्सा में है, इमामुल अंबिया ने यहाँ पे नमाज कराई अंबिया की, और हज़रत सुलेमान ने, जो अल्लाह के अंबिया हैं, नबी हैं, उन्होंने बनाया इसको. कि प्रॉफिट मोहम्मद यंगर सन हज़रत दाऊद के बेटे थे, उन्होंने इसको बनाया था जिन्नात के थ्रू.
It is said that some of the walls and two pillars that were constructed by the jinns of Suleiman, के जो हज़रत सुलेमान के जो जिन कंट्रोल करते थे उन्होंने इसके जो दो पिलर हैं और जो कुछ दीवारें हैं वो बनाई थी मस्जिदुल अक्सा की, तो वो उधर ही दफन है। इस लिहाज से ये और इम्पोर्टेंस है मुसलमानों के लिए ये मस्जिदुल अक्सा की, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन वो सब कुछ मुसलमानों का फ़र्ज है और वो कर रहे हैं इसको। तो मस्जिद अक्सा इज़ कंसीडर्ड एज द थर्ड होलीस्ट साइट इन इस्लाम एंड द सेकंड मोस्ट टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द मस्जिदुल हरम इन मक्का। और हरम के बाद जो दूसरी मस्जिद बनाई गई थी वो है मस्जिदुल अक्सा, और इस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए कि एक तो हज़रत इब्राहिम ने इसको बनाया, हज़रत मालिक बिन मरवान ने फिर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई, उसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको फतह किया। आपसे सल्लम के बारे आपसे सल्लम ने यहाँ पर अम्बिया की इमामत करवाई, मेराज का वाक़िया, हज़रत सुलेमान ने इसकी इंटीरियर कंस्ट्रक्शन करवाई, मुसलमानों का किबला अव्वल भी है मस्जिदुल अक्सा। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मुसलमानों के लिए। अगर हम क्रिश्चियनिटी के लिहाज से बात करें जो इम्पोर्टेंट क्रिश्चियनिटी, बिकॉज इट इज़ द प्लेस वे जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न टू ओकेजनली एज अ चाइल्ड, यहाँ पर आए थे वो बच्चों के तौर पर, और यही वो जगह है जहाँ पर ज़ाहरी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर लटकाया गया था। उनके लिहाज से ये क्रिश्चियनिटी के लिहाज से वो तो यहाँ पर उनको फांसी दी गई थी, इसलिए उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है जर्नलिज्म मस्जिदुल अक्सा का कंपाउंड सारा ये, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ द प्रॉफिट्स, कि इसको सिटी ऑफ द प्रॉफिट्स कहा जाता है। हज़रत इब्राहिम आए, हज़रत सुलेमान आए, हज़रत ईसा आए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहनशाह अम्बिया आए यहाँ पर, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्रिश्चियनिटी के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो उनका मेंटल उनका माउंट टेंपल है यहाँ पे, यहूदियों का टॉम्ब ऑफ द रॉक यहाँ पे है, मुसलमानों की मस्जिदुल अक्सा है। तो मस्जिदुल अक्सा का भी इम्पोर्टेंस हमने देख ली आप सल्लम के लिहाज से, मेराज के लिहाज से, हज़रत सुलेमान के लिहाज से, हज़रत इब्राहिम के लिहाज से, यहूदियों के बारे में भी देख लिया कि उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो इधर इबादत करते थे, हज़रत ईसा के लिहाज से, हज़रत ईसा की ये उनको जो ज़ाहरी तौर पर फांसी दी गई थी यही वो एरिया था जहाँ पे दी गई थी, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी के लिहाज से भी देख लिया। सो दिस इज़ द ओवरऑल हिस्ट्री एंड इट वाज बिल्ट फॉर द इंपॉर्टेंट।